हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? लाइफ कैसी चल रही है जनाब, बताइए जरा। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं, वहाँ पर मुस्लिम की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन इस देश के कुछ ऐसे आइलैंड भी हैं जहाँ पर कि हिंदू ही हिंदू नजर आते हैं। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं किसी देश में एक जानवर की पॉटी से बनाई जाती है वर्ल्ड फेमस कॉफी? जी हाँ, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको एक ऐसा फूल देखने को मिलता है जो कि दोस्तों होते हैं 7 किलो के। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं, वहाँ पर इतने सारे आइलैंड हैं कि अगर आप इन्हें काउंट करने निकले तो कई साल लग जाएंगे आपको इसे पूरा करने में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको हिंदी भाषा में एशिया के एक ऐसे रोचक देश यानी कि इंडोनेशिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए ना, वे प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल यार। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है। दोस्तों, इस देश की कुल पॉपुलेशन है यही कोई 27 करोड़ के आसपास। जी हाँ, यहां का कुल लैंड एरिया है 18,11,570 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए यहां की पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो ये है 151 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ की बात करें तो 57% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, तो वहीं 43% गांव में। जनसंख्या के मामले में यह है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश। कहते हैं कि यहाँ की हर चीज ही अलग है। क्या आपको पता है कि इंडोनेशिया के लोगों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने में? जी हाँ, सोचिए जरा क्या खाते हैं यहाँ के लोग। ऑफकोर्स यहाँ के लोग नॉनवेज खाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो यहाँ पर खाने में पॉपुलर डिश है वो है फ्रॉग। जी हाँ, जैसे हमारे देश में चिकन लेग लोगों को खाना पसंद है, वैसे ही इस देश में फ्रॉग लेग लोग मजे लेकर खाते हैं। कहा जाता है कि न सिर्फ खाते हैं बल्कि दोस्तों ये तो फ्रॉग लेग को एक्सपोर्ट भी करते हैं। क्या बात है, अगर आपको फ्रॉग लेग से है परेशानी तो आप संभल कर ही जाएं इंडोनेशिया में। दोस्तों, जब बात हो रही है यहाँ के आइलैंड की, तो आपको बता दूं कि कई सारे यहाँ पर ऐसे आइलैंड भी हैं जहाँ पर कि आज तक कोई नहीं पहुंचा है। जी हाँ, तभी तो यहाँ के लोगों का मानना है कि इस देश में कुछ ऐसे आइलैंड भी हैं जहाँ पर कि नेगेटिव पावर का वास है। जी हाँ, कहने का मतलब है भूत प्रेत। यहाँ के लोगों का मानना है कि हम कभी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं और वो कभी हमें डिस्टर्ब नहीं करते। वेल दोस्तों, इस देश में आपको वॉल्केनो की भी कोई कमी नहीं मिलेगी। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 139 ज्वालामुखी हैं। जी हाँ, कुछ तो इतने पुराने हैं कि उनके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ कयास लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप इस देश में आते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये देश कैसे ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है। अब हम आपको एक और ऐसे फैक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, क्या आप कभी भी ऐसी कॉफी पी पाओगे जो किसी जानवर के पॉटी से निकली हो? क्या आपने कभी सोचा भी था कि लोग इस तरह की कॉफी को ही पीना पसंद करते हैं? दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं। एक्चुअली होता ये है कि एशियन पाम सीवेट नामक के जानवर को यहाँ पर जानबूझकर कॉफी बीन्स खिलाए जाते हैं, लेकिन ये बात यहाँ के लोगों को पता है कि ये जानवर कॉफी बीन को पचा नहीं पाते। ऐसे में होता ये है दोस्तों कि जब यही जानवर पॉटी करते हैं तो सारा का सारा कॉफी बीन बाहर निकल जाता है, तो उसी को फिर से चुना जाता है और फिर उसी बीन से कॉफी को बनाया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी कोमोडो ड्रैगन के बारे में सुना है? जी हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिजर्ड होता है। इन्हें देखकर ही आपकी जान निकल जाएगी। कहते हैं कि ये लिजर्ड दिन भर सिर्फ खाने की तलाश में होते हैं। इनके सामने अगर कोई इंसान आ जाए तो कई बार ये बुरी तरह से वार करते हैं। कोमोडो ड्रैगन जहरीले होते हैं और अगर काट लें तो इंसान की मौत हो जाती है, बचने की कोई संभावना नहीं होती। इंडोनेशिया की मुख्य भाषा बहासा है, जबकि यहाँ कुल 700 से भी अधिक भाषाएं चलन में हैं। साथ ही दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया में ग्रीन हाउस गैस छोड़ने वाला तीसरा बड़ा देश है। दोस्तों, इंडोनेशिया जायफल उत्पादन के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर आता है। जायफल का मूल उत्पादन यहाँ के बांदा द्वीप में होता है। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए ताड़ के तेल की, तो ताड़ के तेल का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया ही है। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा बताइए ना कि आप कहां से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं जनाब, बताइए जरा। बता रहे हैं, अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी राफ्लेसिया अर्नोल्डी फ्लावर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि ये फूल सबसे अलग किस्म का होता है। इसका वजन 7 किलो तक का होता है और सिर्फ इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 7 किलो का वजन। आपको बता दें कि इंडोनेशिया के एक आइलैंड सुमात्रा में आपको ये फूल दिख जाता है। कहा जाता है कि वहाँ का नजारा ही सबसे अलग होता है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि 7 किलो का फूल वाकई में बहुत यूनिक बात है ना। दोस्तों, इंडोनेशिया एशिया का पहला देश बना जिसने कि 1938 के फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था। जी हाँ दोस्तों, उस समय ये देश डच ईस्ट इंडीज के नाम से दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने गया था। कहा जाता है कि एशिया की टीम फुटबॉल में कमजोर होती है, और कहाँ आप कहेंगे कि ये वाकई में कमाल कर चुके हैं आज से कई साल पहले। इनको सलाम तो बनता है। दोस्तों, ये थे इंडोनेशिया देश से जुड़े कुछ बेहद ही अमेजिंग फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।